बाजूका। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल खास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, उसके पहले भी कहा था, माय पर्सनल फेवरेट यानी कि सना रईस खान, जिससे मैं जब भी मिलती हूँ मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब आती है। सना आप कैसे? और अभी हमें वर्कआउट करने जाना है, मुझे लगता है कि आज आप बहुत थकने वाले हैं। हां, बट इट्स गोना बी एन एक्सिलरेटिंग राइड बिकॉज़ आप हो मेरे साथ, मुझे भी आप बहुत पसंद हो, एंड ऑब्वियसली इट्स गोना बी स्पेशल बिकॉज मैं अपना वर्कआउट रूटीन डिस्कस करने वाली हूँ, एंड अल्टीमेटली आई एम गोना डिस्कस अबाउट थिंग्स अबाउट एवरीथिंग दैट आई ईट। आई होप दैट इट गोज वेल एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। स्टार्ट करें? यस। Hi, hi Sana, how are you? I'm fine. I'm good, how are you? I'm fine, perfectly fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कब से आपका वेट कर रहे हैं हम लोग? Let's go. Yes. Hi guys, so I will introduce you to my trainer today. This is Bilal. Bilal, आज हम कौन सा वर्कआउट करने वाले हैं? We bring full body. Full body workout. Bring it on. अभी हमने अपना वार्म अप किया है, अब हम करेंगे TRX स्क्वाट। ये पहले किया ना? Yes. पर इसके सपोर्ट से ना। हमने कर लिया है TRX स्क्वाट, अब हम करेंगे TRX लंजेस। लेग एक्सटेंशन मजा आ रहा है इसमें? बिल्कुल मजा आ रहा है। एक्सरसाइज करके एक्चुअली मजा से ज्यादा, एक्सरसाइज इज रियली गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट। आई मीन जस्ट टेक आउट 30 मिनट्स अ डे ईच डे फॉर योर वर्कआउट एंड यू आर गुड टू गो। मुझे लगता है शांति मिलती है, राइट? बिल्कुल पीस मिलता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बिकॉज इट इज एसेंशियल यू नो टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। Yoga, exercise, dancing in any form, physical activity is always good for you, for your mental health. So I always emphasize it. ऐसा आपका काम है कि आपको exercise की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, दिन भर busy रहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे काम में जो प्रेशर है उसका डिग्री तो हायर लेवल का है ही, और ऑफ कोर्स मेरा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं इस पर और ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ दैट डिस्पाइट ऑफ माई बिजी शेड्यूल आई कैन टेक आउट 30 मिनट्स ईच डे टू वर्क आउट, टू एक्चुअली give time for my fitness, for my body. Then why can't you guys? I mean seriously, you should definitely just think about it. So 30 minutes a day, जो आप कभी फ़ोन पर टाइम पास करते हुए गुजार लेते हो, कभी सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हुए गुजार लेते हो, बस 30 मिनट या 45 मिनट अपनी बॉडी को दे दो एंड यू सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। Thank you.
सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है सीट ड्रॉइंग। प्री वर्कआउट क्या लेते हो, क्योंकि हमने आपके फिटनेस को देखा कि हर जगह आप दिखते हो आजकल, सोशल मीडिया हो या फिर अभी बिग बॉस में हमने आपको देखा रिसेंटली, और अभी तो बिग बॉस देख रहे हो आप, चल ही रहा है यानी सब कुछ पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे अपनी फिटनेस के बारे में जानना है। सर आप प्री वर्कआउट क्या लेते हो, क्या खाना पसंद करते हो? और प्री वर्कआउट यूजुअली मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ जिससे एनर्जी रहती है, और आलमंड्स हो गया, एनीथिंग यू नो दैट गिव्स यू एनर्जी प्रायर टू योर वर्कआउट। So, and fruits also is very essential. Caffeine bahut zyada important hota hai. Absolutely. Isse main black coffee pee leti hu workout se pehle, kyunki wo pura 1 hour actually bahut energetic nikal jata hai. You don't feel restless, aapko thakan mehsoos nahi hoti. Bachpan se hi aapko pasand tha ki workout karna, ya phir bachpan se aap golu golu type ke bachche the yahan pe? Nahi, bachpan ab bhi pata chala ki yaar fitness pe dhyan dena hai. Aur ऐसा मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस बचपन से तो नहीं थी, मगर हाँ आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस लेटली, और मैं हमेशा से ही मैं हेल्दी रही हूँ। कभी भी मैं बहुत ज़्यादा मैंने यूजुअली कभी लाइफ में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पुट ऑन तो नहीं किया, बट आई बिकॉज समटाइम्स मेरे स्केड्यूल इतना बिजी हो जाता था कुछ टाइम पहले तक, तो आई यू नो यूज टू एक्चुअली फील कि हाँ ठीक है वर्कआउट तो बाद में भी हो जाएगा, आई यूज़ टू स्किप माई वर्कआउट्स। एंड फिर मैंने ये रियलाइज़ किया लेटली दैट नो मैटर हाउ बिजी माई स्केड्यूल गेट्स आई कैन नॉट मिस माई वर्कआउट, बिकॉज इट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग योर लंच और ईटिंग योर डिनर और गोइंग फॉर अ वॉक और टेकिंग अ बाथ। जस्ट अब जैसे हर रोज़ आपकी कोई एसेंशियल एक्टिविटी होती है जो आप कभी स्किप नहीं कर सकते, उतना ही इम्पॉर्टेंट, उतना ही एसेंशियल, उतना ही पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस यू मस्ट गिव टू योर वर्कआउट ऑल्सो। जैसे आप खाते हो, जैसे आपको सोना है हर रोज़, जैसे आपको नहाना है, उसी तरह आपको हर रोज़ वर्कआउट भी करना है, नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। और इससे मुझे एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रूली रिमार्केबल इफेक्ट दिखा है, एंड दैट इज द रीज़न आई एम एक्चुअली एम्फसाइजिंग दैट वर्कआउट इज एसेंशियल बी इट इन एनी फॉर्म। जब से लाइमलाइट में आप आए हो, यू नो कि अफकोर्स मुझे लगता है कि ब्यूटी विद ब्रेन हो आप, और जब से आप बिग बॉस में हो उसके बाद से तो लोग सना रईस खान एक टैग बन गया यार कि ये बंदी मतलब ब्यूटी विद ब्रेन है। हमने देखा बिग बॉस में भी कि बहुत लोगों के पास ब्यूटी था तो ब्रेन नहीं था, ब्रेन था तो ब्यूटी नहीं था, लेकिन दोनों है ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, तो ये फिटनेस की जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? लाइमलाइट को देख के स्टार्ट हुई थी कि यार लोगों को देख के खुद ना हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर ये ऐसे हैं तो हम क्यों? ऑनेस्टली मुझे किसी को देख के कभी ऐसा कुछ फील नहीं होता, बिकॉज आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम माई सेल्फ। मेरे लिए मैं खुद ही इंस्पिरेशन हूँ, मेरे लिए मेरा कॉम्पिटिशन भी मैं ही हूँ। मैं हमेशा अपने आप से जैसे जितनी बेहतर मैं आज हूँ कल मैं चाहती हूँ उससे ज़्यादा बेहतर रहना, तो आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम माई सेल्फ। मैंने अपने खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर मैंने स्टार्ट किया फिटनेस पे एक्सरसाइज करना, अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे मैं वर्कआउट पर ध्यान दे रही हूँ, जितना मैं ज़्यादा यू नो इफेक्टिवली वर्कआउट कर पा रही हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे वर्क में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है मुझे। इट्स नॉट जस्ट लाइक 30 मिनट्स जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, उससे मुझे ओवरऑल 24 आवर्स में बी गुड स्लीप, बी एब्सोल्यूट प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग माई वर्क आवर्स, हर चीज़ में मुझे बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आई एम एम्फसाइजिंग टू गाइस, नो मैटर व्हाटएवर फॉर्म, आई ऑलवेज कीप टेलिंग व्हाटएवर फॉर्म इट इज, बीट योगा, बीट एक्सरसाइज, बीट जिम, और बीट डांसिंग, और बीट व्हाटएवर
whatever gives you joy, you know, any physical activity, any movement, even just jog for 20 minutes in the morning. Agar usse bhi aap dekhoge to aapko lagega ki actually in the long run, just within a few weeks or probably within a month or two, you'll see remarkable results, aapko incredible results dikhenge. And I think from my personal experience, I'm saying it has nothing to do with lying, like, because I was always famous as a lawyer. You yes, try to get boss. जैसे कि सब लोग जानते हैं लॉयर की लाइफ बहुत बिजी शेड्यूल होती है. ऐसे पूरी लाइफ हमने आपकी देखी है कि आपकी हर एक इंटरव्यूज में हर एक चीजों आपने बखूबी अपनी चीजों को रखा है सामने. Absolutely. जो ना बहुत कम लड़कियां होती हैं कब क्रिमिनल लॉयर राइट. हाँ. तो बहुत कम लड़कों को मैंने देखा है जो इस तरह में पार्ट लेती है कि यार मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है और इतनी मतलब हसीन तरीके से. मैं आप कह सकती हूँ आपको देख के निकलेगा हसीन तरीका. हसीन तरीके से आपने चीजों को हैंडल किया है कि शायद ही कोई करना है. करेक्ट. Absolutely. Yeah. अभी हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? So next exercise. बताएंगे मेरे ट्रेनर. Next exercise. So flat bench press will be the next exercise. Flat bench press. Let's go. Yeah. अब next time yoga. Yoga में करेंगे right? Sorry. नहीं बिल्कुल भी नहीं. लाइफ में रिग्रेट रखते कोई मतलब नहीं. कहा जाता है मोमेंट ऑन योर लेफ्ट एंड फॉरएवर ऑन योर हिप्स. तो इसीलिए यू शुड बी वेरी कॉशियस. आप जो भी खा रहे हो आप उसे खाने के बाद आपको वो आप तो इंश्योर कि आप वर्कआउट करके उसे बर्न करो. लेकिन कभी तो हुआ होगा ना कि दिल नहीं कर रहा है कुछ अच्छा खाना है मुझे. बिल्कुल होता है. इसलिए मैं एक्चुअली चीट में रखती हूँ. वीक में एक बार तो रखना ही चाहिए हमेशा. तो आप अननेसेसरीली ओवर इंडल्ज नहीं करोगे थ्रू आउट द वीक. तो वीकेंड पे एक दिन ऐसा आप निकाल सकते हो. चीट फेवरेट चीट में आई लव आइसक्रीम. एंड यू सी आई मीन आप मुझे अगर बोलोगे पूरा दिन सिर्फ आइसक्रीम पे गुजारो तो मैं आइसक्रीम पे ही गुजार सकती हूँ. आप मुझे कुछ खाना मत दो उसके अलावा. मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है. आई मीन ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा फैट तो नहीं खा जा सकता उसमें मगर हाँ मगर ऑफकोर्स बहुत ओवर इंडल्ज भी नहीं कर सकते. दैट्स माई फेवरेट. एंड आई लव फिश विच इज़ हेल्दी विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन एंड हेयर. या सो आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं एटलीस्ट वीक में थ्राइस तो मैं फिश अपना डिनर में रखती हूँ. डिनर में आई यूजली प्रेफर प्रोटीन चिकन या फिर फिश. करीना कपूर आई फील बिकॉज व्हाट आई लाइक अबाउट हर इज दैट यू नो वो शी इज अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन और फिर भी उन्होंने जिस तरह से अपनी बॉडी मेंटेन करके रखी है
जब वो वेट पुट ऑन भी करती है उसके बाद भी वो बहुत अच्छी तरीके से अपना वेट लूज भी कर लेती है, यू नो डिस्पाइट ऑफ दैट शी इज सो फिट नाउ. तो उनकी फिटनेस के बारे में मुझे लगता है कि वो एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना हेल्थ मेंटेन किया, अपनी फिटनेस मेंटेन करी. बहुत अच्छा एग्जांपल सना ने दिया करीना कपूर खान का. मुझे लगा था ना शिल्पा शेट्टी बोलेगी टू बी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट आई फील इट्स करीना कपूर. इट्स ऑलवेज ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव जो आपको लगे, तो मुझे तो लगता है करीना. यू नो माधुरी ने आपको कहा था कि बड़ा अच्छा डांस करती है, इफ यू रिमेंबर ऑब्वियसली. ऑब्वियसली I mean, coming from Madhuri Dixit, who will forget it? Because she is a dancing legend and she is complimenting me. How can I forget that? Not just her, Salman Khan, Karan Johar, everybody complimented me for my dancing skills. अच्छा इसके अलावा किसकी बॉडी सबसे ज़्यादा फिट लगती है? अगर मैं एक्टर की बात करूँ, एक्टर ये आई थिंक रितिक रोशन. Obviously, इनकी तो आई मीन इनकम्पेरेबल बोला जा सकता है. तो या डेफिनेटली एंड ऑफ कोर्स सलमान खान हिमसेल्फ. Like who better than Salman Khan? I mean, just look at him. I mean, you know, even at this age, he's so fit. So obviously, Salman. Case लड़ना है उनका. बिल्कुल, why not? इन्होंने खुद कहा है, मैं उनकी lawyer हूँ. He's already declared it. Sana is my lawyer. He's already declared it. Yeah, on record, he's declared it. आज आप बहुत बड़े-बड़े लोगों की lawyer बन चुकी हैं, प्रवीण ने भी lawyer. मैं जो केसेस आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई डिफेंड माय क्लाइंट्स राइट्स विग्रेसली. मैं हर केस पे इक्वल हार्ड वर्क करती हूँ एंड आई ऑलवेज इंश्योर कि मेरे क्लाइंट्स को जस्टिस मिले.